हेलो माय फैंस, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। थंबनेल देखकर तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज मैं न्यू गेम खेलने वाला हूँ, जिस गेम का नाम है सुपर मार्केट सिमुलेटर गेम। ठीक है, इस गेम में एक्चुअली होता क्या है कि हम सब एक शॉपकीपर होते हैं और हमको शॉप को चलाना होता है, ठीक है, मैनेज करना होता है। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शॉप को कैसे मैनेज करना होता है। चलते हैं सबसे पहले शॉप के अंदर, और शॉप के अंदर के आने के बाद आप सब यहाँ पर देख सकते हो, यह है कैश काउंटर जहाँ से हम सब कैश बिल काट, और ये रहा हमारा कंप्यूटर जिससे हम कोई भी आइटम परचेज करना होता है, ऑर्डर करना होता है। स्टॉक में आइटम समाप्त हो जाता है, वो अगर मंगाना रहता है तो हमको यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन दिया जाता है जिसमें हम कोई भी आइटम परचेज कर सकते हैं। जो भी आइटम यहाँ पर दिया रहता है, शो रहता है, उस आइटम को हम आराम से परचेज कर सकते हैं। जैसे है ब्रांड है, वेल है, फ्लावर है, एनी आइटम है, जिसमें फर्नीचर में भी सेल्फ है, फ्रिज है। फिर मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है जिसमें हम कोई भी चीज का लाइसेंस ले सकते हैं, जो आइटम हमारे स्टॉक में नहीं है अगर वो आइटम लेना है तो उसका लाइसेंस ले सकते। फिर यहाँ पर आपको बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप लोन ले सकते हो, अगर आपको लोन चाहिए, आपके पास रुपया नहीं है तो उसके बाद आप लोन भी ले सकते हो, बिजनेस लोन, तो वो सब चीज ले सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ से बैक आते हैं और मार्केट में चलते हैं। और मार्केट में आने के बाद हम यहाँ पर सब आइटम परचेज करेंगे जो भी आइटम उनको स्टॉक में रखना है। सबसे पहले ऑयल हम एक कार्टून ले लेते हैं, फिर यहाँ पर ब्रेड है, ब्रेड भी एक कार्टून ले लेते हैं, और यहाँ पर स्क्रॉल करते चलो, यहाँ पर पास्ता है, पास्ता मैं दो कार्टून ले लेता हूँ। ठीक है, अपना 16 हो जाएगा, 16 पीस रहेगा, चलो दो कार्टून हो गया। और यहाँ पर हो गया $45 प्लस $4, $49 का यहाँ पर हो चुका है मेरा। और अब मेरा पार्सल आ गया होगा, चलो शायद पार्सल आ गया, हाँ चलो पार्सल आ गया, वो भी मैं ले लेता हूँ और उसको स्टोर में रख देता हूँ। ठीक है, तो लेके चलते हैं इसको, और यहाँ पर ले लिए और चल रहे हैं। चलो इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और इसको वन बाय वन करके रख देते हैं यहाँ पर, चलो रख देते हैं। अब इसको रखते हैं सबसे पहले, जल्दी जल्दी खाली कर देते हैं सारे आइटम को। और यहाँ पर इसको कहाँ फेंकना है सर? डस्टबिन, हाँ डस्टबिन में, चलो इसको फेंक देते हैं। और इसको भी लेते हैं, ये भी पास्ता ही है, नहीं हाँ पास्ता ही ज्यादा, चलो इसको भी रख देते हैं। और रखने के बाद आपको मिलते हैं। तो चलो मैं अब सारा आइटम रख दिया, और मेरे को प्राइस सेट करना है। ठीक है, चलो मैं पास्ता का प्राइस यहाँ पर सेट कर देता है। इसका मार्केट वैल्यू है $3.12। ठीक है, तो इसको मेरे को रखना है $3। ठीक है, $3 में इसको पास्ता को मेरे को सेल करना है, और यहाँ पर पास्ता का प्राइस मैं रख देता हूँ $3। मेरे को प्राइस सेट करना है दूसरे आइटम का, चलो मैं ब्रेड का प्राइस सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ब्रेड का प्राइस यहाँ पर कितना है? ब्रेड का प्राइस है यहाँ पर मार्केट वैल्यू है $3.96 और एवरेज है $0.99। मेरे को मार्केट वैल्यू से कम रखना है और एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो चलो मैं $3.9 इसको रख देता हूँ और डन कर देता हूँ, और मिलता हूँ सारे आइटम का कॉस्ट सेट करके। सब चीज़ यहाँ पर सेट कर दिए, और अब मेरे को क्या करना है, स्टोर को ओपन कर देना है। ठीक है, चलो यहाँ पर स्टोर को ओपन कर देते हैं, यहाँ पर बंद था। और यहाँ पर अब कस्टमर आएंगे और यहाँ पर आप उन सेल करेगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कस्टमर आ भी गया है, देख सकते हो, जो कि अभी जस्ट आया, ये भी पास्ता ले रहे हैं, और यहाँ पर पास्ता के बाद ब्रेड लिया शायद, और देखते हैं क्या क्या लिया। तो चलो मैं यहाँ पर अंकल का प्रोडक्ट का स्कैन कर देते हैं, और यहाँ पर स्कैन कर दिए सारे प्रोडक्ट। अब अंकल यहाँ पर कैश दे रहे हैं, चलो अंकल का कैश ले करके इसको शायद खुला भी देना पड़ेगा क्या? हाँ चलो खुला भी देना पड़ेगा, $90.10 का। सबसे पहले 50 का करेंसी देते हैं, और 50 के बाद मतलब 220 का देते हैं और 110 का देते हैं। और चलो यहाँ पर हो चुका है अंकल का $90.10। अब मैम का प्रोडक्ट को स्कैन कर देते हैं, चलो यहाँ पर मैम का पास्ता सब चीज़ हो गया, यहाँ पर ब्रेड था, ऑयल था, और यहाँ पर मैम दिया कार्ड, चलो कार्ड स्वैप करते हैं $12.70। ठीक है, चलो $12.70 और ओके। चलो यहाँ पर मैम का भी हो गया, चलो ब्रदर का भी है पास्ता और ऑयल, चलो पास्ता लेते हैं, फिर ऑयल लेते हैं, और कार्ड दिया ब्रदर ने भी, कार्ड दिया, चलो ब्रदर का भी कार्ड स्वैप करते हैं यहाँ पर $7.40। चलो यहाँ पर ब्रदर का भी कार्ड यहाँ पर स्वैप हो चुका है, और यहाँ पर फिर से आया अंकल और इसका भी कार्ड स्वैप करते हैं यहाँ पर, कार्ड सॉरी हाँ कार्ड ही दिया यार ब्रदर भी यहाँ पर कार्ड ही दिया, चलो इसको भी कार्ड स्वैप करते हैं $8.30। ठीक है, ऐड लिखते हैं, फिर पॉइंट देते हैं $30, और यहाँ पर ओके कर देते हैं, यहाँ पर हो चुका है। अब फिर से आया यहाँ पर ऑयल, इसका भी ये अंकल ने भाई यार क्या दे दिया यार, खुला यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर खुला देते हैं, तो चलो यहाँ पर ब्रोडर का सबसे पहले खुला दे देते हैं, यहाँ पर $15.60 है, तो चलो यहाँ पर एक 10 का देते हैं। ठीक है, 10 का देते हैं, फिर यहाँ पर 5 का देते हैं, और फिर यहाँ पर 50 का देते हैं एक, और फिर यहाँ पर देते हैं 10 का। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है
और चलो यहाँ पर फिर से आंटी, आंटी का भी एक पास्ता और ऑयल था शायद। चलो आंटी ने काट दिया, फिर से कार्ड का स्वैप करते हैं और 7.40 डॉलर, ठीक है 7.40 डॉलर, और कार्ड को स्वैप कर लेते हैं और फिर आंटी का भी हो जाएगा। और चलो यहाँ पर आंटी का भी हो गया, अब मेरे को करना है फिर से ब्रदर का। ब्रदर ने दिया फिर से पास्ता और ऑयल, तो यहाँ पर ब्रदर का भी पास्ता और ऑयल यहाँ पर काट दिया है 7.40 डॉलर का। यहाँ पर चलो स्वैप कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर भाई का हो चुका है। अब यहाँ पर आया अंकल, अंकल का एक था ब्रेड और ऑयल था, चलो ठीक है ऑयल यहाँ पर काट दिया अंकल ने, 8.30 डॉलर है। तो चलो यहाँ पर ओके कर देते हैं 8.30 डॉलर, फिर यहाँ पर कार्ड दिया भाई, क्या बात है यार, चलो सब कार्ड ही दे रहे हैं। यहाँ पर इसका है 3.90 डॉलर, जो कि सिर्फ एक ब्रेड लिया था, कुछ तो लो और यार क्या कर रहे हो आप भी। चलो यहाँ पर इसका भी हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से आए हैं यहाँ पर ब्रेड लेकर के, इसका भी एक ही ब्रेड था, क्या ब्रो यार आप भी भाई। यार भाई देखो यहाँ पर खुला इसको देना पड़ेगा 0.10 डॉलर, ठीक है। चलो यहाँ पर भाई का हो चुका है। तो चलिए यार ऑल प्रोडक्ट सेल करते करते यहाँ पर हो चुका है शाम। सबसे पहले यहाँ पर लाइट मार देते हैं और यहाँ पर आप सब देख सकते हो, क्या बात है भाई ऊपर उल्टा स्विच है यार, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि आइटम ख़त्म होने पर आ चुका है। अब यहाँ पर आइटम ब्रो एक और आ गया है, यहाँ पर क्या आइटम ऑर्डर करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता है। चलो छोड़ो, सबसे पहले ब्रो का यहाँ पर आइटम को सेल दे रहे हैं, ठीक है यहाँ पर स्कैन कर देते हैं। चलो पास्ता और ब्रेड था भाई का, यहाँ पर चेंज करके देना है भाई को। चलो यहाँ पर 0.10 डॉलर रिटर्न करना है, ठीक है यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। और भाई यहाँ पर जाओ ब्रो, और यहाँ पर फिर से आया है सिस्टर, इसका भी कर देते हैं। चलो का चेंज ही देना पड़ेगा 5.60 डॉलर, ठीक है यहाँ पर 50 का दे देते हैं, 10 का दे देते हैं। यहाँ पर देखते हो होते होते रात हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले स्टोर को क्लोज कर देते हैं, ठीक है नहीं तो सब आते ही रहेंगे, ऑफ साइड इधर ही से कर देते हैं, ठीक है यहाँ पर अंदर ही से यहाँ पर क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ बचा है ग्रैंड मदर, ठीक है चलो यहाँ पर इसका कार्ड में स्वैप कार्ड बोल रहा आइटम से स्कैन करके यहाँ पर कार्ड से स्वैप कर देता हूँ, 3 डॉलर का था। चलो यहाँ पर हो चुका है। और अब मैं इन सब को छोड़कर आपको सीधा डायरेक्ट पॉइंट की बात बताता हूँ कि आज का मेरा प्रॉफिट कितना हुआ वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज करते हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पर आ चुका है मेरा फर्स्ट डे का रिवेन्यू, ठीक है यहाँ पर प्रॉफिट जो कि मैंने अर्न किया है 94.88 डॉलर, ये कि जो कि मेरा फर्स्ट डे का है, ठीक है। यहाँ पर 50 डॉलर से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था और 144.88 डॉलर यहाँ पर हो चुका है मेरा। तो चलो अब मैं सेकेंड डे यहाँ पर फिर से आता हूँ और आप सबको दिखाता हूँ कि सेकेंड डे मैंने कितने का अर्निंग किया और कितना प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। और यहाँ पर हो चुका है सेकेंड डे। अब मेरे को यहाँ पर स्टोर में सिर्फ एक पास्ता बचा है, ठीक है। और मेरे को स्टोर से आइटम मंगाना है, ठीक है। यहाँ पर आइटम जो मैंने कल सेट करके रखा था 93 डॉलर का था, तो चलो यहाँ पर ओके मैं परचेज कर देता हूँ और मेरा आइटम आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। चलो डायरेक्ट यहाँ पर परचेज पर प्रेस कर दिया और यहाँ पर आ चुका होगा मेरा आइटम, पार्सल हो गया होगा। तो चलो मैं सबसे पहले उसको भी सजा देते हैं और ये मेरा सेकेंड डे है, ठीक है यहाँ पर सुपरमार्केट का सेकेंड डे है। तो चलो यहाँ पर आ चुका है कार्टून जो कि गिरा भी दिया है यहाँ पर भाई ने। चलो सबसे पहले ऑयल को यहाँ पर रख देते हैं, ओपन करते हैं और रख देते हैं, ठीक है। सजा कर रखना भी ज़रूरी है भाई, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं सब आइटम सेट करके आपको फिर से आगे बढ़ते हैं। चलो मैंने ऑल आइटम और प्राइस सेट कर दिया और प्राइस सेट करने के बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा स्टोर हो चुका है ओपन। अब यहाँ पर कस्टमर आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आज का मैं फिर से आपको प्रॉफिट दिखाऊँगा कि जो मैंने कितने का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक। तो चलो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट कस्टमर पर आ भी गया है। तो चलो मैं सबसे पहले इसका आइटम का स्कैन कर देता हूँ और यहाँ पर कार्ड दिया, तो चलो मैं कार्ड भी स्वैप कर देता हूँ। यहाँ पर 3.60 डॉलर का था, तो चलो इसका कार्ड स्वैप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आप सबसे ये बताने वाला हूँ कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 3 डे में कितना प्रॉफिट हुआ मेरे को और कितना होगा, तो वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी काम करता हूँ और आपको शॉर्टकट से दिखाता हूँ कि मेरे को डे नाइट सिर्फ मतलब रोज़ का मैं प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अब चलता हूँ रात में कि मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है वो मैं दिखाता हूँ आपको।
तो चलो यहाँ पर मेरा सेकेंड डे का जो प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट है $92.78। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट डे जितना प्रॉफिट हुआ ठीक है उस कम है $2। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, आखिर प्रॉफिट तो हुआ $92। और यहाँ पर अब मैं थर्ड डे देखना है कि मैंने थर्ड डे कितना का सेल करके कितना प्रॉफिट करता है। ठीक है मैं तो चलो यहाँ पर थर्ड डे हो चुका है और मैं शॉर्टकट ही आपको दिखाऊंगा थर्ड डे भी कि मैं कितना प्रॉफिट करता हूँ और कितना मतलब थर्ड डे में कितना होता है। ठीक है तो चलो यहाँ पर सबसे पहले आइटम तो है ही वैसे, बट चलो यहाँ पर इसको सबसे पहले ओपन कर देता हूँ। ठीक है स्टोर, तो चलो स्टोर ओपन होने के बाद भाई साहब का यहाँ पर स्कैन कर देता हूँ आइटम का, और स्कैन करने के बाद यहाँ पर थर्ड डे का भी मैं प्रॉफिट अभी दिखा दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और गैज मैं आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गैज, और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये गेम खेलना है या नहीं खेलना है। अगर आपको ये गेम खेलना है तो मेरे को कॉमेंट करना, मैं आपको इसका वीडियो बता दूंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो PC एंड मोबाइल में सेम वर्जन जो मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके बता देना, कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। ठीक है तो चलो यहाँ पर मैं लास्ट आपको दिखाता हूँ कि मेरा थर्ड डे का टोटल इनकम कितना हुआ। ठीक है तो चलो यहाँ पर मैं डायरेक्ट चलता हूँ रात की तरफ और यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इनकम दिखाता, और आप देख सकते हो मेरा थर्ड डे का जो प्रॉफिट है ना वो मैं जो दो दिन काम करने से नहीं हुआ ना उतना सिर्फ मेरा थर्ड डे में काम करने से हो चुका है। देख सकते हो $205 का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ एक दिन में। ठीक है मतलब थर्ड डे में। ठीक है तो चलो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट नहीं है भाई, सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट है वो भी थर्ड डे का। ठीक है सेकेंड डे और फर्स्ट डे का तो आपको मैंने दिखाई दिया था इतना इतना करके हुआ है, और ये थर्ड डे का प्रॉफिट है जो कि $205 है। ठीक है तो आप सबको पता चल गया होगा कि कितना मस्ट प्रॉफिट होता है अगर कोई सुपरमार्केट ओपन करता है रियल लाइफ में, तो वो भी ऐसे ही प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है तो आप सबको इस वीडियो से मतलब कुछ सीख तो मिला ही होगा कि सुपरमार्केट में कैसे बिजनेस होता है क्या नहीं होता है। तो इसी सब के लिए भाई यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।